हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम वर्कशीट 21 करेंगे साइंस की, क्लास 7th की, 28 सितंबर की। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल की रिवीजन का चैप्टर है। आज हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड इज टेकन इन टू द बॉडी, जो फूड है वो बॉडी में माउथ के द्वारा लिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। द फूड गेट्स ब्रोकन, जो फूड है वो टूट जाता है, खाया जाता है और टूटा जाता है इन द स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ टीथ। और जो टीथ है वो इंजेशन और डाइजेशन दोनों में हेल्पफुल है माउथ के साथ। अब टाइप्स ऑफ टीथ, और टीथ जो है वो चार भागों में बटे हैं। पहले इंसीजर, दो टीथ होते हैं आगे वाले, देन हमारे कैनाइन होते हैं, ये वाले दो टीथ और ये वाले, देन आगे के दो दो टीथ दोनों तरफ जो होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर, और आखिरी के तीन तीन दांत जो होते हैं वो हमारे मोलर होते हैं। तो सबका टीथ ऑफ सेट अलग अलग होता है, किसी के में अलग सेट होते हैं, किसी के में अलग तरह के टीथ होते हैं। तो सबकी जो टीथ की काउंटिंग होती है वो अलग अलग होती है। ये 20 टीथ वाले सेट का हमारा है। अब आगे चार टीथ होते हैं। अब इनके फंक्शन, इंसीजर कटिंग और खाने को बाइट करने में काम आते हैं। कैनाइन ये पियर करते हैं, तो खाने को भेजते हैं, थोड़ा चबाते हैं और उसको टीयर करते हैं, काटते हैं। प्रीमोलर च्यू करते हैं और ग्रिंड करते हैं, पीसते हैं खाने को छोटे छोटे। अब मोलर, मोलर का भी सेम काम होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं हमारे कुछ। तो आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा को। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, वी कैन एक्सपीरियंस, हमने एक्सपीरियंस किया है। इफ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड, अगर हम बहुत लंबे समय तक एक ब्रेड ऑफ पीस को चबाते रहेंगे तो उसमें मीठा सा स्वाद आ जाएगा और इससे पता चलता है फूड में सलाइवा मिल चुका है, और फूड में सलाइवा मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब डेंटल केयर, तो वन शुड क्लीन द टीथ, सबको क्लीन करने चाहिए अपने टीथ को ब्रश से या दातुन से दिन में दो बार, और फिर कुल्ला करना चाहिए। तो ये हमें बता रखा है। अब क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली व्हाइल ईटिंग, द सिंपल एक्ट ऑफ च्यूइंग फूड इन योर माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन लार्जर पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द एसिगोफेगस एंड देयर बाय हेल्प्स द स्टमक टू मेटाबोलाइज योर फूड, व्हेन फूड इज च्यूड थ्रूली यू कैन रिलीज अ लॉट ऑफ सलाइवा विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब क्वेश्चन टू, आपको बताने कैसे करते हैं केयर ऑफ टीथ। तो ब्रश एटलीस्ट ट्विस अ डे, ब्रश ऑल ऑफ योर टीथ नॉट जस्ट द फ्रंट वंस, टेक योर टीथ वाइल ब्रशिंग, बी श्योर योर टूथ ब्रश हैज सॉफ्ट ब्रिस्टल्स। अब आगे फंक्शन बताने हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड एट द फूड इज च्यू, अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा इज रिलीज बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ, दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू शुगर इवन बिफोर द फूड रीचेज द स्टमक। ये फंक्शन होता है, ये फूड को अच्छे से इसमें सलाइवा मिलना चाहिए क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है। मोलर टीथ, मोलर जो है लार्ज फ्लैट बाइटिंग सरफेस वाले टीथ है विच मेक्स देम परफेक्ट फॉर दिस जॉब, जो कि इस अपनी जॉब को परफेक्ट बनाते हैं बाइट करने की खाने को। अब अगला कैनाइन, कैनाइन टीथ जो है ये टीयरिंग टीथ होते हैं, ये हेल्प करते हैं टीयरिंग में और पियर्सिंग में। अब सलाइवा, सलाइवा की भी हम फंक्शन जानते ही हैं। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।